सुशांत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स के बाद अब सूत्रों के अनुसार रिया चक्रवर्ती का सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स मिला है, जो केस में सबूत के तौर पर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस सीडीआर डाटा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी के टच में थी। सीडीआर में उस पुलिस अधिकारी का नाम भी सामने आया है जिनसे रिया की बात हुई थी। बता दें कि इससे पहले ही बिहार पुलिस में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिया को मुंबई पुलिस में से किसी की मदद मिल रही है। अब रिया के कॉल डिटेल्स से दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है। सीडीआर डिटेल्स में ये जानकारी सामने आई है कि रिया ने बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से संपर्क में थी। इस डिटेल्स में जो जानकारियां हाथ लगी है उनमें बताया गया है कि रिया और मुंबई पुलिस के इस अधिकारी के बीच 4 कॉल्स और 1 SMS किए गए थे। बता दें कि इस कॉल डिटेल्स में और भी कई जानकारियां हाथ लगी हैं, जिससे स्पष्ट है कि रिया ने सुशांत से कहीं ज्यादा कॉल्स उनकी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी, जो कि सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर भी रही है, और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को किए। बता दें कि श्रुति और सैमुअल के नाम भी FIR में दर्ज है, जिसे सुशांत के पिता के सिंह और CBI ने दायर किया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रिया और सुशांत की बातचीत केवल 147 बार ही हुई है और 808 कॉल श्रुति के साथ और 289 सैमुअल के साथ हैं। इनके अलावा रिया 2 टॉप साइकाइट्रिस्ट के संपर्क में थी। रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में महेश भट्ट का भी नाम आया है। रिया के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि केवल 31 आउटगोइंग कॉल सुशांत को किए गए थे, जबकि 135 इनकमिंग कॉल थे। रिया के कॉल रिकॉर्ड इस बात को लेकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकते कि सुशांत और उनके बीच सब कुछ सही नहीं था। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।